अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बार बार रिसालत में अकीदत और मोहब्बत के साथ जी लगाकर पढ़े हदिये दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना हबीबिना हबीबना बारिक सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है ए बाबू ए पुड़िया वाला तुम इसीलिए पैदा किए गए हो क्या? जलसा मांगे पुड़िया खाएगा? तुमको पता नहीं बुढ़िया से मुंह खराब होता है और बुढ़िया से घर खराब होती है। सिर्फ मजाक करने के लिए आ गया है। इतना अच्छा जलसा, इतने अच्छे अच्छे उलमा हैं, जिम्मेदार किस्म के आदमी रख करके अभी तक एक दो तकरीरें हो जानी चाहिए। 10 से ज्यादा कहीं और हो गया टाइम। जलसा का महासल से वो निकलता नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे लोग हाजिर आए हैं। मैं चाहता हूं कि कीमती वक्त देकर इतने ठंडक में आए हैं, इस वक्त खिताब तकरीर हो जाए और सुन के लोग सब फैजियाब हासिल कर लें। हमारे उलमा-ए-किराम तशरीफ रखते हैं। तवज्जो है, सिर्फ आप लोगों को तवज्जो है। मजमा बहुत अच्छा है, बोलिए सुभान अल्लाह। इतना अच्छा मजमा जिसका कोई जवाब नहीं। मैं जितनी तारीफ करूँ इन लोगों को कम है। ईशा के बाद ही से बैठे हैं, बहुत प्यासे हैं लोग, मोहब्बत के साथ बैठे। एक बार बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। सबका हाथ ऊपर हो, कहीं गर्मी या ठंडी कुछ भी नहीं है। मौसम बिल्कुल इस वक्त यहाँ ठीक है। और एक बार बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। मौलाना इस्लाहे मोआशरा आप नाज़िम है ना, ध्यान दीजिए, सबको पढ़वाएंगे, सबको सुनवाएंगे। हाँ, अल्लामा आसिफ इकबाल के बाद उनसे पहले किसी को अब नहीं मौका मिलेगा। मौलाना सलामत बाएं तरफ बैठे हैं, इसीलिए बेसी डर है। सलामत और बाएं तो खतरा होता है। सलामत दाहिने हो तो ठीक होता है, लेकिन सलामत सलामत होता है। टेंशन आप लोग मत लीजिए। मौलाना जसरुद्दीन बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, कलाम आला हजरत के एक शेर से शुरू होता हो। पहले एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। चैनल वाला बहुत तरक्की कीजिएगा, ध्यान मेरे तरफ दीजिएगा, खाली मोबाइल पर नहीं, कभी मुझको देखिए। वही रब है जिसने तुझको हम वतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। और यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के ताले, सभी मैंने छांग डाले तेरे पाए का ना पाया। तुझे यक न यक बनाया, वही रब है जिसने तुझको हम वतन करम बनाया। एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। गुलाम मोहम्मद साहब खैरियत से रहिए। मौलाना जैसे बहुत जल्दी खैरियत किसी की ले लेता है। खतरनाक मौलाना में मेरा नाम दुमका जिला में आता है। दुमका जिला का पोस्टर में खतरनाक नाम लिखा रहता है मेरा। हाँ, सुन लीजिए। स्टेज पर उलमा आप लोग जिम्मेदारी के साथ बैठे हैं। आप लोगों की दुआ से मैं कुर्सी पर बैठा हूँ। बड़े बड़े उलमा जब यहाँ बैठे रहते हैं ना, तो मुझको हिम्मत और ताकत मिलती है। इतने बड़े बड़े अइम्मा है, बड़े बड़े मुफ्तियाने कराम इधर तशरीफ रखते हैं, तो इतने बड़े बड़े उलमा जब हो जाते हैं तो मुझको अच्छा लगता है, गदगद लगता है और बोलने में मजा आता है। नो टेंशन हो जाता है। चला गया मौलाना शरीफ बहुत इंग्लिश बोल रहा था, अभी मैं सुनाऊंगा इंग्लिश बोल कर कहा। बहुत अच्छी तकरीर हो रही थी, लेकिन सबको तवज्जो दूसरे तरफ था। अल्लाह ताला मस्जिद पर कतई अता फरमाए। मौलाना सलामत साहब किबला बिल्कुल बहुत अच्छा आपका जलसा होने जा रहा है, कोई कमी नहीं। इस्लाहे मोआशरा कॉन्फ्रेंस है ना, तो इसलाह की बात होगी। अब किस चीज की इसलाह करूँ? दाढ़ी लोग बहुत नहीं रखे क्या? दाढ़ी की इसलाह करूँ? बहुत लोग टोपी पहनते, टोपी पहनाने की इसलाह करेंगे। लोग अजान करने नहीं जाते, किस बात की इसलाह करूँ? लेकिन तमाम इसलाह सब इसलाह करके आइए, लेकिन आवाम के लिए सबसे जरूरी इसलाह क्या मालूम है? वो अपने इमाम से मोहब्बत करे। क्या बात है, क्या बात है। अपने इमाम की हिफाजत करे, उनसे मोहब्बत करे, ये सबसे बड़ी इसलाह आपके लिए है। इसलिए कि इमाम अगर सही सलामत है तो मस्जिद की भी हिफाजत हो जाएगी, मदरसे भी बच जाएंगे, दीन में इस्लाम फैलेगा। बोलिए सुभान अल्लाह। ये उलमा देख रहे हैं ना, अकेला एक उम्मत देखिए, एक आलिम के अंदर इतना पावर है कि आधा आलम चला सकता है, एक आलम चला सकता है। इसीलिए आप इनसे मोहब्बत करें। कैसे? सुभान अल्लाह। पैसा लेके आ रहे हैं क्या? सुभान अल्लाह, दे दीजिए जल्दी दे दीजिए, तब मेरी तकलीफ होगी। खतरा से हम बच गए जी, दस्तकिया आने से बहुत खतरा होता है। दस्तकिया हमको जल्दी कम मत दीजिए, मौलाना साहब फिर कभी दे देता है, बहुत अच्छा आदमी है, अल्लाह ताला उनकी कमाई बरकत अता फरमाए, जल्दी दे दीजिए। दस्तकिया दीजिएगा भी नहीं, वरना मेरा जलसा परसों है ना, मैं 5 टकिया आपको दे दूंगा। क्या समझ कर रखे हैं लोग, बहुत अच्छे बैठे हैं, इन उलमा से मोहब्बत कीजिए। ये आलिम जहाज के मानिंद है समंदर में, क्या बात है, समंदर में जहाज के मानिंद है। जहाज समझते ना, उसमें चढ़ जाइए, नदी दरिया में पार हो जाओ, यही है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने मकाशिफुल कुलूब के अंदर आबिद और आलिम की मिसाल जब आपने फरमाया है, तो आबिद और जाहिद की मिसाल समंदर के पानी में पत्ते से आपने दिया है, यानी बहता हुआ पत्ता। एक जाहिद और आबिद की मिसाल बहता हुआ पत्ता से दिया गया, यानी एक जाहिद और आबिद ऐसा है जैसा कि समंदर में बहता हुआ पत्ता है, और एक आलिम ऐसा है कि चलता हुआ समंदर में एक जहाज है। मतलब आप समझे, इशारा नहीं समझे मैं समझा देता हूँ। यानी अगर समंदर में आप डूबते हैं और पत्ता बह के जाता है, आप चाहेंगे कि हमसे पकड़कर सहारा बना ले, तो वो आपको सहारा नहीं दे सकता है। जैसे पत्ता को थामेंगे पकड़ेंगे, वो भी डूब जाएगा, आपको भी डुबा लेगा। लेकिन मौलाना सलामतुल्लाह साहब सुन लीजिए, लेकिन जहाज अगर समंदर के ऊपर चलता है, अगर आप चाहें कि हम बच जाएं, उस पर सवार हो जाइए, तो आप बच जाएंगे, उस पर बढ़ जाइए, पार हो जाइएगा। तो ये आलिम उस मकाम पर है कि इनसे हम मोहब्बत करेंगे तो यहाँ भी फायदा मिलेगा, कब्र में भी मिलेगा, कयामत के दिन भी मिलेगा। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए मजल के सुभान अल्लाह। तो यहाँ कब फायदा मिलेगा? इमाम साहब की तनख्वाह 6000 दीजिए, क्या इस्लाह करूं? मौलाना इमाम साहब की तनख्वाह कुछ भी नहीं है, बाहर से आए मुखरी आराम करना, 30,000 तुरंत आराम से गाड़ी में लेके चले जाएंगे, रात भर इमाम साहब बैठेंगे, 200 टका कल भेंट करेंगे। ये होता क्या नहीं? इस्लाह किस बात की करें? इमाम पर आदमी इतना तानाशाही करता है, बहुत ताना करता है, हजरत को लोटा हड़बड़ा रहा, कौन देखेगा? इमाम को बोलता है, मुसल्ला साहब ने इमाम को बोलता है, ये सब बातें इमाम के साथ किया जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है हजरात मोहतरम, आपको संवरने की जरूरत है। आपकी इस्लाह कैसे की जाए, आपको कैसे संवारा जाए। आज नौजवानों को कहा जाए कि नौजवानों दाढ़ी रखो, कहेगा मौलाना जी सिर्फ तकरीर और नहीं मिलती है, आप दाढ़ी की बात करते हैं, आपको नहीं पता हमारी शादी नहीं हुई है। मैंने कहा क्या हुआ, दाढ़ी शादी नहीं हुई? कहा मौलाना दाढ़ी रखेंगे, बेटी कौन देगा? ये को फेरा है, ये तो नौजवान का मसला है। लेकिन बूढ़ा लोग भी दाढ़ी नहीं रखता है, अधर बूढ़ा लोग भी दाढ़ी नहीं रखता है, एक पैर बिल्कुल कब्र के करीब है, तब भी कहता है इमाम साहब दुआ कर दीजिए ना, और 10-10 साल बच जाते तो ठीक होता है, वो भी दाढ़ी नहीं रखता है। ऐसा ऐसा बुढ़वा मिला है कि दाढ़ी नहीं रखता है, और सारा जाकर सफाचक करवाता है, फेसवाश चकाचक होता है, और आकर बुढ़वा बुढ़िया पूछता है बढ़िया दिखाई ना, कोई टेंशन नहीं, सीधा बढ़िया बुढ़िया को, तब भी उसको तसल्ली नहीं है कि बुढ़िया सच बोल रही नहीं गलत। फिर शिशुआ के पास जाता है, फिर आयना में देखता है, ठीक दिखाए अब्दुल्ला बाबू, फिर वहाँ देखता है, इसमें कोई ताजुब नहीं। वो बुढ़वा सुबह निकलता है, मस्जिद के दरवाजे पर इमाम साहब खड़ा है, कहता इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम, इमाम साहब गदगद हो गया, बूढ़ा सलाम किया, लगता सुधर गया, आगे बढ़ा। का इमाम साहब हम समझियारा जा रहे हैं, देखिए ना फेस वॉश करवाए, अच्छा लगते के इमाम को बोलता फेस वॉश करवाए, अच्छा लगते के नहीं। उस बूढ़ा को वहां मर जाना चाहिए, जमीन पर गिर कर वहीं खत्म हो जाना चाहिए शर्म के मारे। ऐसा ऐसा बदतमीज जमाने में लोग हैं, इमाम से दाढ़ी छिलवा कर कहता मैं अच्छा लगता हूँ नहीं। काश वो ये जुमला कहा होता कि इमाम साहब रात की तकरीर दिल से लग गई है, आज से मैंने सुन्नते मुस्तफा को अदा करना शुरू कर दिया है, चेहरे पर दाढ़ी सजा लिया है, मैं अच्छा लगता हूँ या नहीं, सर पर टोपी रखना शुरू कर दिया है, मैं अच्छा लगता हूँ या नहीं, कुरान की तिलावत शुरू कर दिया है, मैं अच्छा लगता हूँ या नहीं, मुसल्ला साफ करना शुरू कर दिया है, मैं अच्छा लगता हूँ या नहीं, आसान देना शुरू कर दिया है, मैं अच्छा लगता हूँ या नहीं, मामा पर दबाना शुरू कर दिया है, मैं अच्छा लगता हूँ या नहीं, इससे इस्तीफा करना शुरू कर दिया है, मैं अच्छा लगता हूँ या नहीं, मैंने हलाल कमाई करना शुरू कर दिया है, मैं अच्छा लगता हूँ या नहीं। ये क्यों देखते हो? मस्जिद की सफाई करेंगे, हमें लोग क्या कहेगा, लोटा उठाएंगे, समाना क्या कहेगा, सर पर टोपी रखेंगे, लोग क्या कहेगा, मस्जिद में आजान देंगे, लोग क्या कहेगा, ये देखो मेरा खुदा मुझे क्या कहेगा, मेरा हबीब मेरा क्या कहेगा। अगर की रजा इसी में है तो दुनिया को मत देखो, मस्जिद में झाड़ू लगा दो, तेरा रब तुमसे खुश। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लाहे मोआशरा कॉन्फ्रेंस। मोबाइल में अपना वक्त गुजारा ना कीजिए, मोबाइल में अपना वक्त गुजारा ना कीजिए, आखिरत में अपना खसारा ना कीजिए। जो लड़कियां करती है दाढ़ियों से नफरत, ऐसे शादी को हरगिज गवारा ना कीजिए। साहब बीच में ठीक ठाक दे देते हैं, हमारे बीच में हिंदुस्तान के एक ऐसी आवाज का मालिक हजरत शायर इस्लाम शम्स तबरेज़ गिरी जी पूरे बक्का बोसी के उस खानका रहमानिया में तहलका मचाने वाला शायर हिंदुस्तान तशरीफ रखते हैं। मेरे बड़े अजीज भांजा है, इनसे आप बिल्कुल खूबसूरत आवाज लबो लहजे में अभी समाप्त करेंगे। मौलाना जसीरुद्दीन तकरीर करने के लिए नहीं, जरा सा आप लोग का चेहरा देखना है कि कौन गोरा है कौन काला है, हमको सब पता है, क्योंकि कलुआ बाजार जाता तो फिर हम लवली खोजते और गोरखा जाता तो फेसवाश करवाता और फेरा है। किसी में चैन नहीं, जिस्म की खूबसूरती के लिए सब परेशान है, सब परेशान है कि मेरा चेहरा कैसे अच्छा हो जाए, जिस्म कैसे अच्छा हो जाए। जिस्म का इलाज का फिक्र सब करता है, लेकिन मालूम नहीं ये जिस्म तन्हा जिस्म नहीं है, रूह के साथ साथ है तो वो जिस्म है। अगर जिस्म की तवानाई, जिस्म की खूबसूरती की तलाश लेते हो, कभी रूह के बारे में फिक्र करो कि जिस्म को हसीन बनाने का माल मेला में मिलता है, बाजारों में बिकता है, जिसे शरीर का आप लिया करते हैं और अमेरिका वाला जैसा जैसा बनाता है वैसा खरीदता है। अभी जमाने में ऐसा ऐसा क्रीम चला है, लगा के लेप पोत के गोरा बन जाता है, चाहे जितना काला है, लेकिन कुछ देर के बाद फिर वो कलुए हो जाता है, गोरा हो जाता है, फिर उसी हाल में चाहे जैसे भी क्रीम खरीद लीजिए, मामला पर वही पहुंचेगा। लेकिन मुस्तफा की बारगाह का नबी के कारखाने की क्रीम इस्तेमाल कर लीजिए, मालामाल हो जाएगा। पता बता दो, एक बार बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। ये दुनिया के क्रीम को अपनी जगह रखो, पंच वक्ता व बाजमात नमाज पढ़ो वजू करके। जब जो मोमिन वजू बाजमात वजू करके पंच वक्ता बाजमात नमाज पढ़ता है, चेहरे में नूर आ जाता है, दिल को सुकून हो जाता है। कोई क्रीम में ये पावर नहीं है, मुस्तफा ने जो कानून बता दिया है। आज मुसलमानों को वजू का तरीका मालूम नहीं, तहारत का तरीका मालूम नहीं, आज इंसान को चलने का ढंग मालूम नहीं, दस्तरखान में खाने की फजीलत पता नहीं, खाना कैसे खाना चाहिए ढंग नहीं, किस बात की सिला की जाए। इंसान को फकत पैसा चाहिए, सिर्फ इंसान को दौलत चाहिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें चाहिए, आराम की गाड़ियाँ चाहिए, फकत इंसान इसी चीज पर है। लेकिन मेरे मुस्तफा की जिंदगी देखो, गरीबों को आपने देखा है, यतीमों को आपने देखा है, बेसहारों को सहारा आपने दिया है, बेयारों के साथ आप बने हैं, बेमददगारों का मददगार आप बने हैं, पड़ोसियों के यहाँ चूल्हा नहीं जल रहा है, मेरे मुस्तफा ने खबरगिरी लिया है, किसी यतीम बच्चे की शादी नहीं हो रही है, मुस्तफा ने साथ दिया है। आओ नबी की तारीफ उठाकर देखो, ईमान ताजा हो जाएगा। खुद ना करके गरीबों को खिलाया है, ये मेरे मुस्तफा ने सिखाया है। आज इस्लाहे मोआशरा में आने वालों, ईमान को ताजा कर लो, आप इरादा कर लो, आज तक जो भी मैंने किया है आज तौबा कर लो, यहाँ से तहिया करके उठो, जब सुबह जाओ गुलाम मुस्तफा बनकर जाओ, जिंदगी में ऐसी रोशनी लालो, जिस तरफ तुम देखोगे मुस्तफा की सीरत झलकती हुई नजर आए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे लोग यहाँ बैठे हैं, सोचते हम लोग गुनाह इतना किए अब क्या होगा, जितना भी गुनाह किए रब की रहमतों में कमी नहीं। मांग कर देखो, आके देखो, रो के देखो, गिड़गिड़ा के देखो, सब रब देता है। बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत उमर के जमाना का बड़ा मशहूर वाकया सुने होंगे, एक शराबी हजरत उमर के डर से जब थरथराने लगा, कांपने लगा, हजरत उमर ने दरवाजा खटखटाया, का डरने लगा, उसने अंदर से धीरे धीरे दरवाजा खोला। लंबा वाकया, शॉर्ट में, बड़े मुख्तसर में तकरीर को मैं खत्म करूंगा, बड़े बड़े शोरा बैठे हैं, सब सुनने के लिए तैयार है। हजरत उमर ने दरवाजा खटखटाया तो वो शराबी जिसने बोतल में शराब लिया था डर के मारे नहीं खोला, लेकिन हजरत उमर की आवाज थी, खोलना पड़ा, चुपके से कांप के निकला। हजरत उमर ने कहा, ला वो बोतल जिसमें तूने कल शराब लिया था। वो सोचा कि मैं जरा भटका कर निकल जाऊं, झूठ बोल कर जरा सा इधर से उधर कर लो। हुजूर, कल तो मैं शराब नहीं लिया था, कल बोतल में मैं दूध लिया था। अल्लाह देखता हूँ जैसे बोतल को दिया गया, हजरत उमर ने बोतल के ढक्कन को खोला, आपने उंडेला तो सचमुच में उस बोतल से दूध ही गिरा। बोलिए सुभान अल्लाह, क्या निकला? दूध निकला। हजरत उमर सोचने लगे कहीं मेरी नजर खता तो नहीं कर गई, मैंने तो कल शराब खाने में से शराब लेते देखा था, ए मौला कहीं मेरी नजर खता तो नहीं गई। आवाज आई जब से, उमर तूने सच देखा था और शराब लेते देखा था। का मौला पर ये माजरा क्या है, ये हो क्या गया है? का रात भर तेरे डर से, तेरे खौफ से, तेरे इंसाफ से, तेरे तेरे हक की बातों से, तेरी अदालत के इंसाफ से इतना रोया और गिड़गिड़ाया डर से, मेरी बारगाह में आजिज़ी पेश किया, इंकिसारी पेश किया, तो मैंने इसके तौबा को कबूल कर लिया, मैंने इसके तौबा को कबूल कर लिया। और कबूल करके तौबा को मैंने इसके शराब की इस बोतल में दूध को शराब से बदल दिया। बोलिए सुभान अल्लाह। अब बताओ मुसलमानों, जब एक गुनहगार खुदा की बारगाह में तौबा करता है तो खुदा उसके शराब को दूध में बदल देता है। तुम गुलामे मुस्तफ़ा हो, तौबा करो कि क्या खुदा नहीं माफ फरमाएगा, खुदा नहीं बख्शेगा? इरादा कर लीजिए आप लोग, क्या आज तक जो किए हैं आज के बाद गुनाह नहीं करेंगे। खाएंगे तो हराम नहीं, हलाल खाएंगे। जाएंगे तो जबान माँ से नहीं लड़ाएंगे, मोहब्बत की बोली बोलेंगे। माँ के सामने में दमक के साथ नहीं पेश आएंगे, उल्फत के साथ पेश आएंगे। आज हमारे नौजवानों की जरूरत है समझने की कि हम कहाँ हैं, हमें कहाँ जाना है। कब्र की मंजिल में सबको जाना है, कब्र में सबको जाना ही होगा, जहाँ कोई दरवाजा नहीं होगा। हश्र की मंजिल आपको समझना होगा। ये आप कब समझेंगे? जब उलमा से मोहब्बत करेंगे, इमाम के करीब आएंगे। दिनों रात इमाम के खिलाफ कम पैसा इमाम की चुगली करते हैं, वो भला कैसे बख्शा जाएंगे? इनके करीब आएंगे तो आपको बताया जाएगा माँ की अजमत क्या, ये बताते हैं। इल्म नूर कहा जाता है, ये बताते हैं। इल्म दीन से क्या फायदा होता है, ये बताते हैं। मदरसे की क्या फजीलत, ये बताते हैं। इनके करीब जब आएंगे तो हर बुराई से बचते नजर आएंगे, क्योंकि इल्म के चिराग इनके पास है, इल्म के सलीका इनके पास है, सब कुछ इनके पास है। इनके करीब आकर देखो, आंखें खुल जाएगी, इस्लाम का रंग नजर आएगा, इस्लाम का हुस्न नजर आएगा। कभी सिद्दीक की सदाकत देखेंगे, कभी उमर की अदालत देखेंगे, कभी उस्मान का नून नजर आएगा, कभी अली की शुजाअत नजर आएगी, कभी बिलाल जैसा गुलाम का इश्क और मोहब्बत नजर आएगी। ये जमाने को क्या देखते हो? दुनिया में बहुत रंग है, लेकिन सारे रंग इस्लाम के सामने में फीके हैं। इस्लाम ने जो तरीका दिया है, जो लहजा दिया है, जो हुस्न दिया है, कहीं और नहीं मिल सकता है। इस्लाम बताता है गरीबों को तुम मदद करो, इस्लाम बताता है किसी को तुम तकलीफ ना दो, इस्लाम बताता है तुम किसी का हक ना मारो, इस्लाम बताता है तुम किसी पर जुल्म ना करो। इस्लाम के रंग में तो रख के देखो, हर मुसलमान बहनों को तुम अपनी बहन समझो। इस्लाम ने बताया है मोहब्बत को आम करो। जब इंसान मोहब्बत को आम कर देता है, सारी बुराइयां खत्म हो जाती है। क्या बात है, सारी बुराइयां खत्म हो जाती है। आज मुसलमान बुराइयों के दलदल में फंसे हैं, लेकिन ये मोहब्बत को क्या समझ बैठे हैं। आजकल लोग मोहब्बत में दिल बनाते हैं, हाथ काट के दिल बनाता है, फिर उसमें कोई तीर मार देता है, यानी दिल को छिड़ कर देता है। जितनी मोहब्बत है सब उसको हरवा देता है, यानी गिरा देता है। समझ रहे हैं? ये प्यार और मोहब्बत है। मेरे नबी ने फरमाया मोहब्बत को आम करो। बोलिए सुभान अल्लाह। मोहब्बत को बांट दो। अच्छा बताइए, आप मुझसे मोहब्बत करेंगे तो अदालत मुकदमा जाएंगे, मुखिया के पास विचार करने जाएंगे, मेरे खिलाफ कोई बात आप करेंगे? मोहब्बत इसी को कहते हैं कि महबूब की हर अदा मुहिब को पसंद होता है, उनके खिलाफ वो नहीं बोलता है, जब भी बोलता है उनकी तारीफ बोलता है। बोलिए सुभान अल्लाह। उनकी शान ही में बोलता है, उनकी अजमत में बोलता है। जब मेरे रब ने मुस्तफा से मोहब्बत किया तो पूरा कुरान नाज़िल फरमा दिया। बोलिए सुभान अल्लाह। ये है मोहब्बत। आप मोहब्बत करें, मोहब्बत फैलाए। इस्लाम में मोहब्बत ही है और इसी में कामयाबी है। तकरीर के गर्ज़ से नहीं, मैं अपने हिसाब किताब के गर्ज़ से आया था ताकि कुछ सवाब मुझे मिल जाए। क्या बात है जी। और न तकरीर करना, कुछ कुछ जानता हूँ, ऐसी बात नहीं, लेकिन आज नहीं फिर कभी होगा। बहुत बड़े बड़े खतीब आए हैं, उन लोग कीमती वक्त लेकर इतना बड़ा मजमा को कैसे भूखा और प्यासा भेज दिया जाए। बुलाइए, इन लोगों को पिलवाइए, इन लोगों को खिलवाइए, कुछ दिलवाइए ताकि रूह का इलाज हो जाए। जिस्म का इलाज तो सब कर लेता है, मार्केटों में जाकर, सिनेमा हॉल में जाकर, कहाँ कहाँ जाकर, लेकिन रूह का इलाज मार्केटों में नहीं। रूह का इलाज करना चाहते हो तो मस्जिदों में जाकर कुरान की तिलावत कर लो, रूह का इलाज हो जाएगा, रूह मजबूत हो जाएगी, रूह में तकबीयत आ जाएगी, रूह में ताकत आ जाएगी। जिस लोगों को बारहा तुम देखते हो गरीब नवाज की तारीफ कर लेना, रूह का मर्तबा समझ में आ जाएगा। तुमने जो कि जयपाल ने कहा था ये तो फिरफिरी की तरह है, क्या तुम्हें क्या समझ में आएगा किस तरह है? जिस्म को देखकर मात बंद करो, इनकी रूहानी कुव्वत को देखो, अंदर का पावर तो समझो। अल्लाह वालों में जिस्मानी पावर कम था, रूहानी पावर ज्यादा, क्योंकि जिस्म में रूह है। वरना ये हाथ किसी काम का नहीं, मुफ्ती साहब पैर हाथ ये आंखें किसी काम का नहीं। अगर रूह निकल जाए, ये रूह निकल जाए इस पिंजरे से, तो ये हाथ हिल नहीं सकता, पैर चल नहीं सकता। पता चला ये हाथ तो हिला रहा है तो कोई और नहीं है, उसके पीछे रूह है। रूह के पावर से ये हाथ चलता है, रूह ही से पैर चलता है, आंखें इसी से है। तो मालूम हुआ कि इसे अगर अच्छा बनाना हो तो रूह को अच्छा बनाना होगा, इसे तंदुरुस्त करना हो तो रूह को अच्छा करना होगा, दिल को सुथरा करना हो तो रूह को अच्छा करना होगा। इसका इलाज ये है, खौफ इलाही से आंखों से कतरात बहाओ। रबी फरमाते हैं खौफ खुदा से जब आंखों से मोहब्बत कम नहीं, खौफ इलाही से आंसू का कतरा बहता है, तो एक कतरे में वो बाबा रब्बता फरमाता है, दिल के कचरे को दूर फरमा देता है, दिल के मैलान को दूर फरमा देता है, दिल की गंदगी को दूर फरमा देता है। फिर ये दिल साफ हो जाता है, उसकी रूह मजबूत हो जाती है। आज नौजवान सोचते होंगे कि मौलाना बोल क्या रहा है। जलसा का बैनर पढ़िए, बनाने वाला भी सुधरिए, सुनने वाला भी सुधर जाइए, जलसा कामयाब हो जाएगा। इन्हीं चंद बातों के साथ अस्सलाम वालेकुम।